नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पे हम पढ़ रहे हैं एक धमाकेदार सब्जेक्ट, नाम है इसका पीडियाट्रिक नर्सिंग। और जैसा कि आपको पता है कि लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने सारे न्यूट्रिशनल एलिमेंट को फुलफिल किया था, हमने पढ़ा क्या होता है क्वासियोरकोर, क्या होता है मेरास्मस, और इसके अलावा हमने वहां पे पढ़ा था न्यूट्रिशनल डेफिसिट डिजीज। उसको कंप्लीट डिटेल के साथ में पढ़ने के बाद में आज हम शुरू कर रहे हैं एक और बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही धमाकेदार, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही जिंदाबाद टॉपिक, और नाम है इसका फीटल सर्कुलेशन। तो क्या होता है फीटल सर्कुलेशन, क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें रहती है फीटल सर्कुलेशन में, और क्या चीजें रहती है, क्या इंपॉर्टेंस है फीटल सर्कुलेशन की पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर, कंप्लीट डिटेल के साथ में आज मैं बताने वाला हूं फीटल सर्कुलेशन के बारे में। और इस क्लास के बाद में आप फीटल सर्कुलेशन के बारे में इतने कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि आधी रात को भी कोई उठा के पूछेगा तो आप जवाब दे दोगे, क्योंकि किसी ने बहुत ठीक कहा था कि आग लगा दे पानी में जवानी उसे कहते हैं, क्या आग लगा दे पानी में जवानी उसे कहते हैं, और जो सीनलेस सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। दोस्तों, इतिहास रचना है, कहानी बनानी है, और आपकी कहानी के किरदार आप ही होंगे, और एक बेहतरीन किरदार के साथ में आप अपनी इस कहानी को पूरा जरूर करेंगे। इसी विश्वास के साथ में मैं शुरू करता हूं आज के इस सेशन को। फीटल सर्कुलेशन के अंदर सबसे पहला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इस पिक्चर के साथ में मैं शुरू करूंगा, और हम सबसे पहले ये पढ़ने वाले हैं कि फीटल सर्कुलेशन होता क्या है, फीटल सर्कुलेशन होता क्या है, और इसको करने के बाद में फिर हम इसके एमसीक्यू सेशन की तरफ जाएंगे। तो यहां पर क्या लिखा हुआ देखिएगा, ये जो पिक्चर है ये बेसिकली फीटल सर्कुलेशन से संबंधित है। फीटल सर्कुलेशन के अंदर सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, गुड इवनिंग टू ऑल, एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत सत्कार, दीप्ति, कमलेश, प्रीति, अंजलि, अनसुया, सभी को तहे दिल से लेफ्ट वेंट्रिकल से गुड इवनिंग टू ऑल। शुरू कर रहे हैं हम एक बेहतरीन क्लास, और यहाँ पे हम शुरू करने वाले हैं, थैंक यू मीनू, थैंक यू सो मच, यहाँ पे हम शुरू कर रहे हैं फीटल सर्कुलेशन को। अब देखिएगा, मैं फीटल सर्कुलेशन के बारे में अगर आपको बताऊं तो याद रखिएगा, फीटल सर्कुलेशन जो होता है, इस फीटल सर्कुलेशन को हम प्रीनेटल सर्कुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रीनेटल सर्कुलेशन। सर्कुलेशन दो तरीके का होता है, एक एडल्ट सर्कुलेशन होता है जो कि हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में पढ़ते हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के लिए पढ़ते हैं। एक सर्कुलेशन एडल्ट सर्कुलेशन होता है जो जन्म लेने के बाद का होता है, इसको पोस्टनेटल सर्कुलेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पोस्टनेटल सर्कुलेशन, एडल्ट सर्कुलेशन, या इसी को हम क्या बोलते हैं? पोस्टनेटल सर्कुलेशन। और एक सर्कुलेशन फीटल लाइफ में होता है, इसको हम प्रीनेटल सर्कुलेशन कहते हैं। दो बातें आपको पहले क्लियर होनी चाहिए, फीटल सर्कुलेशन को जो है वो प्रीनेटल लाइफ में ही होएगा। ये तब होगा जब बच्चा मदर के वुम्ब में होएगा, ये तब होगा जब बच्चा मदर के वुम्ब में होगा, इसको प्रीनेटल सर्कुलेशन कहते हैं। और ये जो होता है एडल्ट सर्कुलेशन, ये पोस्टनेटल लाइफ में होता है, जन्म लेने के बाद में होता है। अब देखिएगा, इन दोनों सर्कुलेशन में या दो तरह के सर्कुलेशन की जरूरत क्यों पड़ी? तो ये आप सबको पता है कि जो फीटल सर्कुलेशन है, जो फीटल लाइफ होती है, उस समय जब बच्चा फीटल एज में होता है, जब बच्चा प्रीनेटल लाइफ में होता है, उस समय ये बच्चा जो होता है इसके अंदर लंग्स जो होते हैं वो नॉन फंक्शनिंग होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब बच्चा फीटल लाइफ में होता है तो उस बच्चे के लंग्स जो है वो नॉन फंक्शनिंग होते हैं, जबकि एडल्ट लाइफ में लंग्स जो होते हैं वो फंक्शनिंग होते हैं। एक छोटी सी बात मैं समझाऊंगा पहले एडल्ट सर्कुलेशन की, फिर हम फीटल सर्कुलेशन को कंप्लीट समझ पाएंगे। एडल्ट सर्कुलेशन बेसिकली होता क्या है, मान लो ये चार चैंबर का अगर हार्ट है, ऐसा होता है चार चैंबर का हार्ट, और इसके अंदर चार चैंबर होते हैं, एक होता है आपका राइट एट्रियम, एक होता है आपका राइट वेंट्रिकल, दूसरा होता है आपका लेफ्ट एट्रियम, और एक होता है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। ये जो लेफ्ट हार्ट होता है ये प्योर ब्लड सप्लाई पंप करता है बॉडी को, प्योर ब्लड कहाँ जाता है? बॉडी को जाता है। बॉडी की सेल और टिश्यू को जब प्योर ब्लड मिल जाता है तो बॉडी से इम्प्योर ब्लड को कैरी करने का काम, बॉडी से इम्प्योर ब्लड को कैरी करने का काम एक तो इन्फीरियर वेना केवा करती है और एक सुपीरियर वेना केवा करती है। और ये जो इम्प्योर या डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है ये राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड वाल से राइट वेंट्रिकल में आता है, और वहाँ से पल्मोनरी आर्टरी, क्या निकलती है? पल्मोनरी आर्टरी निकलती है,
जो कहाँ जाती है, लंग्स को जाती है। पल्मोनरी आर्टरी निकलती है जो कैरी करती है इम्प्योर ब्लड, और ये इम्प्योर ब्लड को लेके आती है और कहाँ लेके आती है, लंग्स के पास में लेके आती है। आपका जो लंग्स है वो लंग्स इस ब्लड को क्या करता है, प्योर करने का काम करता है। और इस लंग्स से क्या निकलती है, पल्मोनरी वैन जो आके खुलती है लेफ्ट एट्रियम के अंदर। यहाँ से पल्मोनरी वैन निकलती है जो आके खुलती है लेफ्ट एट्रियम में। सारा ब्लड प्योर होके लेफ्ट एट्रियम से आता है, यहाँ से बाइकस्पिड वाल से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है और लेफ्ट वेंट्रिकल इस ब्लड को पंप कर देता है एओटा के अंदर। ये कहानी रहती है एडल्ट सर्कुलेशन की। यह है आपका पल्मोनरी आर्टरी। इसके अलावा ये जो है आपकी इंफीरियर वेना केवा, ये है आपकी सुपीरियर वेना केवा, और ये ऊपर वाली जो वेसल है ये आपकी कहलाती है पल्मोनरी वैन। इतनी सी कहानी है। आपकी बॉडी से ये राइट साइड का हार्ट है। मुझे फुल कोर्स चाहिए सर जी, बीरावत जी आपको फुल कोर्स बहुत जल्दी मिलने वाला है। फुल कोर्स की सौगात आपके पास में आने वाली है। फुल कोर्स का मतलब फुल कोर्स होता है, इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमने बोला आपकी बॉडी से जो इम्प्योर ब्लड होता है वो इंफीरियर और सुपीरियर वेना केवा लाके डालेगी राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ये ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड कहाँ जाएगा, लंग्स को। लंग्स उस ब्लड को प्योर करेगा, ऑक्सीजनेट करेगा, और ये करने के बाद में ये ब्लड कहाँ आता है, लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम से जाता है बॉडी में। ये जो दोनों सिस्टम है, एक सिस्टम को बोलते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और दूसरे सिस्टम को बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। एक सर्कुलेशन जो होता है इसको सिस्टमिक सर्कुलेशन कहते हैं, दूसरा सर्कुलेशन जो होता है इसको हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। आपकी बॉडी का सिस्टमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन दोनों मिलके एक ही काम करते हैं, और वो काम है आपकी बॉडी की हर एक सेल को ऑक्सीजन पहुंचाना। क्या पहुंचाना, ऑक्सीजन देना। कहां से लेके आता है, लंग से। कहां देता है, बॉडी की सेल को। फिर कहां से लाता है, लंग से। कहां देता है, बॉडी की सेल को। यही तो काम है अपना कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले कर रहा है वो आपका कर रहा है लंग्स। हालांकि यहाँ सबका इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन जो ऑक्सीजन ऐड करने का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, लंग्स। तो अगर मैं आपको पूछूं कि मैं एक बार के लिए अगर यहाँ से लंग्स को हटा दूं, लंग्स खराब कर देते हैं, लंग्स को रिमूव कर देते हैं, तो क्या ये चीज़ें चल पाएगी? मेरे हिसाब से नहीं चल पाएगी, क्योंकि साहब जो काम ऑक्सीजन को ऐड करने का है वो लंग्स ही करता है, और लंग्स ही काम ना करे तो कोई आदमी कैसे जिंदा रह सकता है। जैसे अभी कोविड जो टाइम चल रहा है इसमें आप देख रहे हो कि सभी लोगों के जो कोरोना वायरस है वो लंग्स को खराब कर देता है, और जब लंग्स खराब हो जाते हैं जिसको न्यूमोनाइटिस कहते हैं अपन, और उसके खराब होती है आदमी को, ऑक्सीजन का लेवल फॉल डाउन होता है और आदमी की सांस चली जाती है। तो ये लंग्स अगर चले जाएंगे तो आदमी चला जाएगा, ये बात तो तय है। अब आपको जान के हैरानी होगी कि लंग्स के काम नहीं करते हुए भी 9 महीने तक बच्चा मदर के वूम में जिंदा रह जाता है। ये लंग्स काम नहीं करते फिर भी 9 महीने तक बच्चा मदर के वूम में जिंदा है। मैंने जब पूछा किसी से कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि लंग्स काम नहीं कर रहे हैं फिर भी बच्चा जिंदा रह सकता है वो भी 9 महीने तक, तो बोले हाँ होता तो ऐसा ही है कि लंग्स काम नहीं करते फिर भी बच्चा जिंदा रहता है। हमने बोला कैसे, बोला उसके पास में एडल्ट सर्कुलेशन नहीं होता है, उसके पास में फीटल सर्कुलेशन होता है। तो ये जो फीटल सर्कुलेशन की कहानी है ना, ये एडल्ट सर्कुलेशन से बहुत डिफरेंट है। इसको आप एडल्ट सर्कुलेशन की जगह नहीं टिका सकते, ये सर्कुलेशन एडल्ट सर्कुलेशन से अलग है। इसलिए फीटल सर्कुलेशन जो है उसको आप एडल्ट सर्कुलेशन के साथ में कंपेयर मत करिएगा। एडल्ट सर्कुलेशन पैदा होने के बाद होता है, फीटल सर्कुलेशन पैदा होने से पहले होता है, मदर के वूम में होता है, फीटल लाइफ में होता है, और यह सर्कुलेशन एडल्ट सर्कुलेशन से थोड़ा डिफरेंट होता है। और एक बात और बताना चाहूंगा कि जिसके भी दिमाग में जो भी सवाल बन रहा है उसका जवाब मैं बाद में दूंगा, अभी ध्यान से आपको समझने की जरूरत है। तो प्लीज इसमें कुछ भी क्वेश्चनरीज आप ना करें, मैं इसका जवाब नहीं दे पाऊंगा अभी। तो ये एडल्ट सर्कुलेशन है, और ये प्रीनेटल लाइफ में है तब इसको हम क्या बोलते हैं, फीटल सर्कुलेशन। अभी तो ये पोस्टनेटल लाइफ की बात की मैंने, तो चलो भाई इसको मैं प्रीनेटल लाइफ में ले जाता हूं। मैं थोड़ी देर के लिए लंग्स को वहां से हटा दूंगा तो बच्चा कैसे काम करेगा इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो समझिएगा कहानी क्या होती है। कहानी ये होती है कि ये आपका जो सर्कुलेशन है इसमें लंग्स जो है वो तो काम नहीं करते हैं, इसमें लंग्स जो है वो तो नॉन फंक्शनिंग है,
प्रीनेटल लाइफ में जो लंग्स है, लंग्स जो है वो तो नॉन फंक्शनिंग है, ये लंग्स तो काम नहीं कर रहे हैं, ये लंग्स तो नॉन फंक्शनिंग है, ये लंग्स तो बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं, नॉन फंक्शनिंग लंग्स है। तो इस लंग्स का जो काम पोस्टनेटल लाइफ में जो काम लंग्स कर रहे थे, इस लंग्स का काम प्रीनेटल लाइफ में कौन करेगा? तो उसका जवाब होता है लंग्स का काम प्रीनेटल लाइफ के अंदर प्लासेंटा करता है। कौन करता है? प्लासेंटा करता है। लंग्स का काम प्रीनेटल लाइफ में, लंग्स का काम प्रीनेटल लाइफ में कौन करता है? प्लासेंटा करता है। चलियो भाई, प्लासेंटा क्या करता है? तो प्लासेंटा जो होता है वो मदर के यूट्रस से अटैच होता है, और ये जो प्लासेंटा होता है ये ऑक्सीजन को ऐड करने का काम करता है फीटल ब्लड में। अब यहां पे एक बात आपको याद रखनी है कि प्लासेंटा जो है ये से निकलती है, ये देखो ये अम्लिकस है, ये बच्चे की अम्लिकस है और ये प्लासेंटा है, और प्लासेंटा और अम्लिकस के बीच में जो ये कनेक्शन है इसको बोलते हैं अम्लिकल कोड। इसको क्या बोलते हैं? अम्लिकल कोड। दिस इज अम्लिकल कोड, जो एक कनेक्शन है बच्चे और माँ के बीच में, मतलब प्लासेंटा और अम्लिकस के बीच में जो कनेक्शन है ये अम्लिकल कोड कहलाती है। अम्लिकल कोड जो होती है इस अम्लिकस, दिस इज अम्लिकस, दिस इज प्लासेंटा, इसको हमने बोला अम्लिकल कोड। अम्लिकल कोड में दो तरह की वेसल होती है, दो तरह की वेसल होती है, एक होती है अम्लिकल वेन और दो होती है अम्लिकल आर्टरी। वन तो होती है वेन, जिसको हम अम्लिकल वेन कहते हैं, और दो होती है आर्टरी। वन तो होती है वेन और टू होती है आर्टरीज, टू होती है आर्टरीज, ध्यान रखिएगा। अम्लिकल कोड में एक अम्लिकल वेन, दो आर्टरी, वेन वन, वन वेन, वन वेन और आर्टरी दो, एक वेन दो आर्टरी, किसमें होती है? अम्लिकल कोड में। अब होता क्या है समझिएगा, क्योंकि प्लासेंटा तो का आपका लंग्स तो बच्चे के नॉन फंक्शनिंग है, तो यहां पे समझने वाली बात है कि अपनी जो न्यूबॉर्न बेबी है जो मदर के वूम में है उसकी बॉडी से दो अम्लिकल आर्टरीज, ये देखिएगा दो अम्लिकल आर्टरीज, एक ये और दूसरी ये, और ये दोनों अम्लिकल आर्टरीज जो होती है वो ब्लड जो कैरी करती है वो ब्लड इम्प्योर होता है, ये ब्लड जो है इम्प्योर है, डीऑक्सीनेटेड है। इस ब्लड को लेके आएगी और कहाँ लेके आएगी? दोनों अम्लिकल आर्टरीज इस ब्लड को कहाँ लेके आती है? इस ब्लड को लेके आती है प्लासेंटा तक। किसके ब्लड को? फीटस के ब्लड को। कहाँ लेके आती है? प्लासेंटा तक लेके आती है। कौन लेके आती है? दो अम्लिकल आर्टरीज। क्या होता है इसमें? इम्प्योर ब्लड होता है, अम्लिकल आर्टरी में इम्प्योर ब्लड है। दोनों ब्लड को कहाँ लेके आई? प्लासेंटा तक। क्यों लेके आई? क्योंकि प्लासेंटा उसमें ऑक्सीजन ऐड करेगा। कैसे? माँ का ब्लड आएगा प्लासेंटा तक। प्लासेंटा जिसका वजन आपने सुना होगा ना 500 ग्राम होता है, इसमें 350 ml तो बच्चे का फीटल ब्लड होता है और 150 ml मदर का ब्लड होता है। 150 और 350 500 होता है। तो जो 150 ml मदर का ब्लड है वो तो एकदम 100% ऑक्सीजन वाला है, और जो 350 ml फीटल ब्लड है वो बच्चे से आता है अम्लिकल आर्टरीज लेके आती है, प्लासेंटा तक लेके आती है। माँ का और बच्चे का ब्लड आपस में कभी भी मिक्स नहीं होता है, दोनों के बीच में गैसेज का एक्सचेंज होता है, और जब दोनों के बीच में गैसेज का एक्सचेंज होता है, यहाँ से ऑक्सीजन बच्चे में कम है, माँ में 100% है, तो माँ बच्चे को ऑक्सीजन देती है, तो बच्चे को ऑक्सीजन मिलती है। तो जब माँ ने ऑक्सीजन दी तभी बच्चे ने ऑक्सीजन मिली। तो इसीलिए माँ का जो दर्जा है इस दुनिया में सबसे ऊपर है, क्योंकि आपको जिंदगी में 9 महीने तक जब आपके लंग्स आपका साथ नहीं दे रहे थे, आपको जिंदा रखने का श्रेय सिर्फ और सिर्फ आपकी माँ को जाता है। और जब आपकी माँ ने सांस ली थी तब आपको सांस आई थी, आपने सुना ना, सांस को मैंने सांस आई जब मैंने सांस ली, तो ये सांस किसने ली? आपकी माँ ने ली, और तभी आपको सांस आई। ये बात आपको जिंदगी भर नहीं भूलनी है। दिस इज द ओनली पावर इन योर मदर। आपकी मदर में ये पावर है कि वो आपको इस तरीके का प्रोटेक्शन दे सकती है, दुनिया की कोई ताकत नहीं दे सकती है। तो ये माँ ने आपको ऑक्सीजन ऐड करवाई, कहाँ पे ऑक्सीजन ऐड करवाई? आपके अम्लिकल आर्टरीज वाले ब्लड में, जो इम्प्योर ब्लड था, और जैसे ही अम्लिकल आर्टरी वाले ब्लड में आपकी मदर ने ऑक्सीजन ऐड करवाई, यहां से अम्लिकल वेन जो होती है, कौन? अम्लिकल वेन, जो कि कैसा ब्लड कैरी करती है? प्योर ब्लड। अब आप कहोगे सर इम्प्योर और प्योर का क्या मतलब है? इम्प्योर वर्ड, इम्प्योर का मतलब है अम्लिकल वेन जो होती है इसमें ऑक्सीजन का जो लेवल है, अम्लिकल वेन जो होती है इसमें ऑक्सीजन का जो, सॉरी अम्लिकल आर्टरी जो होती है
इनमें ऑक्सीजन का कंपोजिशन जो होता है वो 55-60% होता है, जबकि आपकी अम्लीकल वैन में ऑक्सीजन का परसेंटेज 80 होता है। फीटल लाइफ में 80% से ज्यादा ऑक्सीजन नहीं होती है। 80% ऑक्सीजन होती है अम्लीकल वैन में, 60% ऑक्सीजन होती है अम्लीकल आर्टरी में। जब ये 60 है तब ये ऑक्सीजन का लेवल कम है, और जब ये 80% हो गया है तब ऑक्सीजन का लेवल बढ़िया है। ये बढ़िया वाली ऑक्सीजन को लेके चलती है अम्लीकल वैन, और यहां से चल के ये अम्लीकल वैन कहां एंटर होती है, बच्चे के अम्लीकस से एंटर होती है बच्चे की बॉडी में। ये लेके चली 80% ऑक्सीजन वाला ब्लड और बच्चे की बॉडी में एंटर हुई। कहां से एंटर हुई? अम्लीकस वाले एरिया से एंटर हुई। एंटर होने के बाद में एक बहुत ही बेसिक रूल है कि जो भी आपके एब्डोमेन के ऑर्गन है बिना लीवर को हाजिरी लगाए कहीं नहीं जा सकते, उनको लीवर को हाजिरी लगानी पड़ती है। तो ये भी गया और ये कहां गया? लीवर को हाजिरी लगाने गया, पर लीवर इस ब्लड को लेता नहीं है क्योंकि लीवर इमैच्योर है, लीवर इस ब्लड को एक्सेप्ट नहीं करता है। जब लीवर इस अम्लीकल वैन वाले ब्लड को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो ये जो ब्लड है ये लीवर में नहीं जाएगा, तो ये डायरेक्ट ब्लड किसमें डाल दिया जाता है? इंफीरियर वेना केवा में। जब लीवर इस ब्लड को नहीं लेता है तो लोअर बॉडी से एक ब्लड वेसल आ रही है इंफीरियर वेना केवा, और अम्लीकल वैन अपने इस ब्लड को डायरेक्ट किसमें डाल देता है? इंफीरियर वेना केवा में। लीवर को क्या कर देता है? बाईपास कर देता है। लीवर को क्या कर देता है? बाईपास, और एक जंक्शन बन जाता है दो वैन के बीच में। एक वैन कौन सी हो गई आपकी? एक वैन है आपकी अम्लीकल वैन, अम्लीकल वैन, और दूसरी वैन कौन सी है? इंफीरियर वेना केवा। ये दो वेसल है, अम्लीकल वैन, ये अम्लीकल वैन और ये इंफीरियर वेना केवा। दो वैन के बीच में एक जंक्शन बनता है, एक संट बनता है, एक डक्ट बनती है, दो वैन के बीच में बनती है, नाम देते हैं डक्टस विनोसस। विनोसस मतलब दो वैन है, एक वैन है अम्लीकल वैन, एक वैन है इंफीरियर वैन के वा। दोनों के बीच में क्या बन रही है? एक नाली बन रही है, एक संट बन रहा है, एक डक्ट बन रही है। इसको नाम दे दिया हमने डक्टस विनोसस। क्या नाम दे दिया? डक्टस विनोसस। और ये सारा ब्लड किसमें डाल दिया हमने? इंफीरियर वेना केवा में। वो इंफीरियर वेना केवा जो इंप्योर ब्लड लेके आ रही थी जिसमें ऑक्सीजन का सेचुरेशन जो है वो 60% था, उसमें हमने 80% सेचुरेशन वाली ऑक्सीजन डाल दी। उसमें हमने कितनी डाल दी? 80% सेचुरेशन वाली ऑक्सीजन। और जब 80 और 60 दोनों को मिक्स किया तो ये हो जाता है 140, और इसको जब 2 से डिवाइड करते हैं तो सेचुरेशन हो जाता है 70। इसको जब 2 से डिवाइड करते हैं तो सेचुरेशन हो जाता है 70। तो इंफीरियर वेना केवा का सेचुरेशन यहां पे 70% हो जाता है। कितना हो जाता है? तो हार्ट में, राइट हार्ट में एंटर होने से पहले ही ब्लड क्या हो गया? प्योर। और ये प्योर ब्लड जाके कहां एंटर होगा? राइट एट्रियम के अंदर। ये प्योर ब्लड जाके कहां एंटर होगा? राइट एट्रियम के अंदर। नाउ ये प्योर ब्लड यहां से चला 70% ऑक्सीजन का सेचुरेशन लेके और सीधा एंटर हुआ राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में ऊपर से आती है सुपीरियर वेना केवा जिसका सेचुरेशन है 60%। 70 और 60 की मिक्सिंग होगी, 70 और 60 की मिक्सिंग होगी, और मैक्सिमम प्योर ब्लड यहां जो आया वो प्योर ब्लड यहां से सीधा निकल जाता है, और ऊपर वाला इम्प्योर ब्लड है तो ज्यादा इम्प्योर इधर आता है। तो उससे क्या होता है कि 70 और 60 मिलते तो है, लेकिन सारा का सारा ब्लड का सेचुरेशन, जैसे नॉर्मली हम अगर 70 और 60 को मिलाते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 130 को 2 से डिवाइड करेंगे तो लगभग 65% होना चाहिए, पर सबका सेचुरेशन 65 नहीं होता है। ज़्यादातर प्योर होने की वजह से ये जो ब्लड है ये ब्लड यहाँ से ज़्यादा चला जाता है सीधा लेफ्ट एट्रियम में, और कम प्योर आता है राइट वेंट्रिकल में। तो जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो एओर्टा में ब्लड आएगा उसका सेचुरेशन तो रहता है 65, और जो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में आता है उसका सेचुरेशन हो जाता है 60। तो अगर आपको कोई पूछ ले कि जब राइट एट्रियम में ब्लड आया तब सेचुरेशन कितना है, तो 70%, अगर लेफ्ट एट्रियम में गया तो सेचुरेशन हो जाएगा 65, और राइट वेंट्रिकल में आया तो सेचुरेशन हो गया 60। तो यहां पे है सेचुरेशन 65, यहां पे है सेचुरेशन 60, और यहां पे सेचुरेशन एंटर हुआ तब हुआ था 70,
और ये जब ब्लड आया एओटा में, इसका सेचुरेशन 65 है। अब एओटा में 65 होना जरूरी भी है और पल्मोनरी आर्टरी में इसका है 60। अब आप कहोगे एओटा में सर 65 होना जरूरी क्यों है और ये सीधा कैसे चला गया, ऐसे तो जाता ही नहीं है। तो इन फीटल सर्कुलेशन वहां पे राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में एक कनेक्शन होता है। जैसे एक संट यहां पे था जिसको डक्टस विनोसस बोला, ऐसा कैसा संट एक यहां पे होता है जो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में होता है, और इस संट को बोलते हैं फोरामेन ओवल। फोरामेन ओवल पहला संट क्या था, डक्टस विनोसस। हमने बोला डक्टस विनोसस की परिभाषा क्या हुई, एक कनेक्शन बिटवीन अम्बिलिकल वेन एंड इंफीरियर वेना केवा बाईपासिंग लीवर, ये तो था डक्टस विनोसस। फिर हमें पूछा गया व्हाट इज फोरामेन ओवल, हमने बोला एक कनेक्शन बिटवीन राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, दिस इज नोन एज फोरामेन ओवल। जो एडल्ट में ये नाम नहीं मिलेंगे आपको, एडल्ट सर्कुलेशन में ये नाम ही नहीं थे। अभी हमने एडल्ट सर्कुलेशन की बात की, एडल्ट सर्कुलेशन के आप देख सकते हो कोई संट है दोनों के बीच में, ऐसा नहीं है, लेकिन फीटल सर्कुलेशन में होता है। एडल्ट सर्कुलेशन में आप देख सकते हो इंफीरियर वेना केवा में कोई अम्बिलिकल वेन वगैरह मिल रही है क्या, नहीं, क्योंकि होती ही नहीं है, काम ही नहीं है। लेकिन वहां तो प्लासेंटा था, वेन थी तो थी। तो यहां पे फीटल सर्कुलेशन के अंदर आपको ये संट मिलेंगे, आपको वहां डक्टस विनोसस देखने को मिलेगा, आपको वहां पे ये देखने को मिलेगा फोरामेन ओवल, जिससे राइट एट्रियम का ब्लड सीधा चला जाएगा लेफ्ट एट्रियम में। और यहां से ये ब्लड जो है, जो एओटा में आया, एओटा इस ब्लड को किसको सप्लाई करेगा जिसमें 65 है, आपको पता हो तो खुद हार्ट को, इसके अलावा अपर बॉडी में जाता है, आपके ब्रेन को जाता है, ट्रंक को जाता है। ब्रेन को बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड ब्लड चाहिए, ऑक्सीजन के प्रति सबसे ज़्यादा सेंसिटिव सेल तो यही रहती है, तो वहाँ पे जाएगा राजा जी के पास जाएगा बढ़िया सेचुरेशन वाला 65% वाला ब्लड। तो ब्रेन को बढ़िया सप्लाई होती है, खुद हार्ट को सप्लाई होती है, वाइटल ऑर्गन को ऑक्सीजनेटेड सप्लाई होनी चाहिए और होती है, और ये इंपॉर्टेंट चीज है 65% वाले ब्लड की। अब हमने बोला ये ब्लड तो आ गया एओटा में और ये डिसेंडिंग एओटा है, और ये जो ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में आया, इस पल्मोनरी आर्टरी वाले ब्लड को लंग्स के पास में जाता है। पल्मोनरी आर्टरी तो लंग्स में खुलेगी, पर लंग्स उस ब्लड को एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि लंग्स तो नॉन फंक्शनिंग है, कोलैप्स हो रखे हैं। तो जो पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को, ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये ब्लड को लंग्स को लेके जाती है, लंग्स उस ब्लड को नहीं लेता है। तो ये पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, अपने ब्लड को एओटा के अंदर डालती है। ये एओटा है, आर्च ऑफ एओटा बना, हमने बोला अपर बॉडी को सप्लाई हो गया, और आर्च ऑफ एओटा बनने के बाद में ये डिसेंडिंग एओटा होता है। तो एओटा का जो डिसेंडिंग आर्च है, उस डिसेंडिंग आर्च से कौन जुड़ जाती है, पल्मोनरी आर्टरी, और कैसे जुड़ती है, एक संट के थ्रू। इस संट को क्या नाम देते हैं, डक्टस आर्टेरियोसस। जैसे डक्टस विनोसस था दो वेन के बीच में, वैसे डक्टस आर्टेरियोसस है दो आर्टरी के बीच में, और यहां पे दो आर्टरी कौन सी है, पल्मोनरी आर्टरी और एओटा। तो डक्टस आर्टेरियोसस इज ए संट दैट प्रेजेंट बिटवीन पल्मोनरी आर्टरी एंड एओटा, आपकी पल्मोनरी आर्टरी और एओटा के बीच के संट को नाम देते हैं डक्टस आर्टेरियोसस, और आपकी अम्बिलिकल वेन और इंफीरियर वेना केवा के बीच को संट को नाम देते हैं डक्टस विनोसस। तो वन इज डक्टस विनोसस, वन इज डक्टस आर्टेरियोसस, एंड वन इज फोरामेन ओवल। एक को हमने क्या नाम दिया, फोरामेन ओवल। ए संट बिटवीन राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम इज नोन एज फोरामेन ओवल। तीन संट बन गए, देखिएगा, एक संट है डक्टस विनोसस जो यहां पे है, एक संट है फोरामेन ओवल जो यहां पे, एक संट है आपका डक्टस आर्टेरियोसस जो यहां पे। डक्टस विनोसस इज ए कनेक्शन बिटवीन अम्बिलिकल वेन एंड इंफीरियर वेना केवा बाईपासिंग लीवर। फोरामेन ओवल इज ए संट बिटवीन राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम बाईपासिंग लंग्स, क्योंकि सारा राइट एट्रियम वाला ब्लड वैसे कहाँ जाता है, लंग्स में, जरूरत ही नहीं है भेजने का, इसलिए हमने डायरेक्ट संट बना दिया, लंग्स को बाईपास कर दिया। एक संट है डक्टस आर्टेरियोसस, डक्टस आर्टेरियोसस इज ए कनेक्शन बिटवीन पल्मोनरी आर्टरी एंड एओटा, ये भी बाईपास कर रही है किसको, लंग्स को, बाईपासिंग लंग्स। तो तीन तरह की चीजें यहां पे हमने डिस्कस कर ली, तीन तरह के संट पढ़ लिए और दो ब्लड वेसल पढ़ ली, एक हो गई अम्बिलिकल आर्टरी, और दो अम्बिलिकल आर्टरी होती है और एक अम्बिलिकल वेन होती है। इसके अलावा ये जो ब्लड अब सारा का सारा किसमें आ गया, एओटा में, एओटा इस ब्लड को लेके जाता है नीचे की तरफ, और जो एओटा का ये जो एरिया है, ग्रोइन वाला एरिया जहां होता है, जहां पे
इलियक आर्टरी बनती है उसमें जो इंटरनल इलियक आर्टरी होती है अपना जो लोअर एक्सट्रीमिटीज है इसमें दो इलियक आर्टरी बनती है, एक तो एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, एक होती है इंटरनल इलियक आर्टरी। तो जो इंटरनल इलियक आर्टरी होती है उसकी एक एक ब्रांच निकलती है, एक इंटरनल इलियक आर्टरी इधर होती है एक इधर होती है। इंटरनल इलियक आर्टरी की एक एक ब्रांच निकलती है और ये ब्रांच हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी या अम्बिलिकल आर्टरीज कहलाती है, और ये अम्बिलिकल आर्टरी कहाँ जाती है, वापस प्लासेंटा तक, यहीं से हमने शुरू किया था। तो फीटल सर्कुलेशन जो है इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, इसकी स्टार्टिंग होती है अम्बिलिकल आर्टरी से। अम्बिलिकल आर्टरी अपने ब्लड को लेके जाती है प्लासेंटा के पास में, प्लासेंटा उस ब्लड में ऐड करता है ऑक्सीजन, यहाँ से निकल जाती है अम्बिलिकल वैन, अम्बिलिकल वैन अम्बिलिकस वाले एरिया से घुसती है अंदर, अंदर जाने के बाद में ये अम्बिलिकल वैन लीवर को जाती है, लीवर उस ब्लड को ना 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 कह देता है, उस ब्लड को नहीं लेता है। तो अम्बिलिकल वैन अपने ब्लड को जिसका सेचुरेशन 80% है एक संट के थ्रू डायरेक्ट डाल देती है इन्फीरियर वेना केवा में, और इस संट को नाम देते हैं डक्टस विनोसस। ए कनेक्शन बिटवीन अम्बिलिकल वैन एंड इन्फीरियर वेना केवा बाईपासिंग लीवर, ये संट जाके खुलता है राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम के अंदर ऊपर से सुपीरियर वेना केवा इम्प्योर ब्लड लेके आती है, ये ब्लड का दो तिहाई हिस्सा सीधा लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है बाय ए संट, इसको नाम देते हैं फोरामेन ओवल, ये बाईपास कर रहा है लंग्स को और राइट एट्रियम के मैक्सिमम ब्लड को राइट लेफ्ट एट्रियम में खाली कर देता है। और ये जो राइट एट्रियम का आधा बचा हुआ ब्लड राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में आता है, लेफ्ट एट्रियम वाला लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में आएगा, जो एओर्टा में जाता है उसका सेचुरेशन 65% है, वो सप्लाई होता है खुद हार्ट को और अपर बॉडी को, और जो आपका राइट वेंट्रिकल में आएगा वो पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी उस ब्लड को लंग्स को ले जाती है, लंग्स उस ब्लड को नहीं लेता है। तो पल्मोनरी आर्टरी अपने इस ब्लड को सीधा किस में डाल देती है, सीधा डाल देती है एओर्टा के अंदर एक संट के थ्रू, और ये संट दो आर्टरी के बीच में है और नाम देते हैं इसको डक्टस आर्टरियोसस, ए कनेक्शन बिटवीन एओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी, और बाईपास कर रही है लंग्स को, बाईपास कर रही है लंग्स को। आशीष, ये संट बंद कब होते हैं? आशीष, अभी संट बने हैं और जो जिंदगी में बना है वो बंद भी होगा, तो बिल्कुल होंगे, अभी बंद करवाते हैं कि नहीं है, पहले आप ध्यान से सुने फिर हम इसके बारे में बात करेंगे, अगर कुछ पीछे रह जाएगा तो, है ना। तो ये तो नॉर्मल बताया अभी तक अपन ने, है ना, अब नॉर्मलिटी नहीं है, बंद भी करवाएंगे, अभी तो खोले हैं इनको। तो ये आया, ये हो गया आपका फोरामेन ओवल, इसके बाद में ये हो गया आपका डक्टस आर्टरियोसस। इतनी कहानी समझ में आ गई आपको? अब ये ब्लड बॉडी को चला जाएगा, सप्लाई हो जाएगा और फिर से हम कहानी दोबारा चलेगी। अब कहानी ये होती है कि साहब ये प्रीनेटल सर्कुलेशन था, लंग्स नॉन फंक्शनिंग होते हैं और उसकी वजह से आपका जो राइट हार्ट है इसके अंदर प्रेशर होता है ज्यादा, ड्यू टू द नॉन फंक्शनिंग लंग्स फीटल सर्कुलेशन के अंदर, ड्यू टू द नॉन फंक्शनिंग लंग्स फीटल सर्कुलेशन के अंदर राइट हार्ट के अंदर, किसके अंदर, राइट हार्ट के अंदर प्रेशर जो होता है प्रेशर वो होता है ज्यादा, एक्सेस होता है। अगर आपको पूछे कि आज आपकी बॉडी में कौन से हार्ट में प्रेशर ज्यादा है, तो जवाब है लेफ्ट हार्ट में प्रेशर ज्यादा है। लेकिन फीटल सर्कुलेशन में प्रेशर किधर ज्यादा होता है, राइट हार्ट में। अब आपको कोई पूछे कि राइट हार्ट में प्रेशर ज्यादा क्यों होता है, तो उसका जवाब है कि जो राइट साइड का ब्लड है, राइट हार्ट का जो ब्लड है वो लंग्स को जाता है, लंग्स उसको ले ही नहीं रहा है, लंग्स नॉन फंक्शनिंग है, पल्मोनरी रेजिस्टेंस मतलब लंग्स का धक्का, लंग्स की रेजिस्टेंस ही बहुत ज्यादा है, लंग्स कहता है ना ना मैं तो 1 ml भी ब्लड नहीं लूंगा, सोगन है मुझे मेरे माँ की, मैं तो ब्लड लूंगा ही नहीं। तो लंग्स तो नॉन फंक्शनिंग है, ले ही नहीं रहे। जब लंग्स ब्लड को नहीं लेते हैं तो इसको हम बोलते हैं हाई पल्मोनरी रेजिस्टेंस, क्या बोलते हैं, हाई पल्मोनरी रेजिस्टेंस। और जब पल्मोनरी रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, लंग्स ब्लड को लेने से मना कर देते हैं, सिरे से खारिज कर देते हैं, तो डेफिनेटली राइट हार्ट में प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा। और जब आपके राइट हार्ट में प्रेशर ज्यादा होगा तो ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल लेफ्ट एट्रियम ही आएगा। भाई बीच में अगर संट है, मतलब ये दिमाग में आना चाहिए आपके कि साहब अगर आप कह रहे हो कि यहाँ पे एक संट है, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में एक छेद है, छिद्र है, तो लेफ्ट वाला राइट में क्यों नहीं आता, राइट वाला लेफ्ट में क्यों जाता है, ये दिमाग में आना चाहिए। तो इसका जवाब है कि प्रेशर जिधर ज्यादा है उधर से लोअर की तरफ जाएगा। तो प्रेशर राइट हार्ट में ज्यादा होता है पल्मोनरी रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से, इसलिए राइट साइड का ब्लड लेफ्ट में जाता है, लेफ्ट वाला राइट में नहीं आता है फीटल सर्कुलेशन के अंदर।
राइट एट्रियम का ब्लड लेफ्ट एट्रियम में जाता है, लेफ्ट एट्रियम का ब्लड राइट एट्रियम में नहीं आएगा, यह बात आपको क्लियर होनी चाहिए। इतना क्लियर होने के बाद में अगली इंपॉर्टेंट बात जो है, इतना क्लियर होने के बाद में राइट हार्ट का प्रेशर एक्सेस होने की वजह से राइट साइड के हार्ट से ब्लड किधर, राइट एट्रियम से ब्लड किधर जाता है, लेफ्ट एट्रियम के अंदर जाता है। अब देखिएगा, अब इंपॉर्टेंट चीज देखिएगा, ये फीटल सर्कुलेशन पूरी फीटल लाइफ में ऐसे ही चलता रहता है, और जब बच्चा मदर के वूम से बाहर आता है, बच्चे ने फर्स्ट मदर के वूम से बाहर एंट्री मारी और पहला ब्रेथ लिया, तो लंग्स पहली ही ब्रेथ के साथ में, फर्स्ट क्राई के साथ में एक्सपांड हो गए। जैसे ही बच्चे के लंग्स एक्सपांड हुए, फंक्शनिंग कंडीशन के अंदर आए, लंग्स खुले, लंग्स के पर खुले, तो ये जो पल्मोनरी रेजिस्टेंस जो बहुत ज्यादा था, बहुत हाई पल्मोनरी रेजिस्टेंस था, ये पल्मोनरी रेजिस्टेंस एकदम से फॉल होता है, क्योंकि लंग्स खुल गए, ब्लड को मजा आ गया, फेफड़े के अंदर जाने लगता है स्पीड से, और राइट हार्ट का प्रेशर जो है एकदम से क्या होता है, शट डाउन होता है, और राइट हार्ट का प्रेशर सब जब शट डाउन होता है, सारा ब्लड लंग्स को जाता है, लंग्स उसमें ऑक्सीजन ऐड करता है, मजा आ जाता है कि क्या बात है, 100% जिंदगी में पहली बार ऑक्सीजन आई, इस बच्चे ने कभी पूरी फीटल लाइफ में 100% ऑक्सीजन नहीं देखी थी, 80% वाला बच्चा 100% ऑक्सीजन जैसे ही आई, बच्चे के लंग्स खिलखिला जाते हैं, सारा ब्लड लंग्स को दौड़ दौड़ के जाता है, कूद कूद के जाता है, और उस ब्लड में जैसे ही ऑक्सीजन ऐड होती है, वो ब्लड सीधा कहाँ आता है, लेफ्ट हार्ट के अंदर, ब्लड सीधा कहाँ आया, बहुत खिलखिलाता हुआ ब्लड, 100% ऑक्सीजन लेके जाएंगे आज तो घर, आज तो मजा आ गया, और वो ब्लड सीधा कहां लंग्स को गया, लंग्स ने बढ़िया ऑक्सीजन ऐड की और उस ब्लड को कहां डाला, लेफ्ट हार्ट में, ये ब्लड की ऑक्सीजन इंप्रूव हो गई, लेफ्ट हार्ट में 100% प्योर ब्लड हो गया, राइट हार्ट में इम्प्योर ब्लड हो गया, राइट हार्ट का प्रेशर कम हो गया और लेफ्ट हार्ट में प्रेशर बढ़ गया, ये अद्भुतपूर्व चेंजेज हुआ पहली सांस लेते ही, और आपका फीटल सर्कुलेशन सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो गया, एडल्ट सर्कुलेशन के अंदर, जो आपका फीटल सर्कुलेशन था वो सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो गया, एडल्ट सर्कुलेशन के अंदर। ना अब आप कहोगे कि सर उनके क्या हुए, वो संट कहाँ गए, वो वीर पुरुष जो 5-5 थे नंबर में और इतना अच्छे से काम कर रहे थे, वो कहाँ गए? तो मैंने कहा वो सब मिट जाते हैं, टाइम टाइम की बात है, समय समय की बात है, समय बहुत बलवान होता है, समय ने तो रावण और कंस जैसे लोगों को नहीं छोड़ा, तो हम तो तुच्छ प्राणी हैं, किसी भी चीज़ का जिंदगी में कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, घमंड बहुत बुरी बात है कि नहीं है? इसलिए जिंदगी में जितना डाउन टू अर्थ रहोगे, जितना लर्निंग करने की कोशिश करोगे, जितना चौधरी कभी मत बनो, जिंदगी में चौधरीपन दिखाना ही नहीं है, जब आपके फीटल सर्कुलेशन के 5-5 स्ट्रक्चर जिनको घमंड था कि हमारे बिना कोई काम हो सकता है क्या, हमारे बिना कोई काम हो सकता है क्या, अगर कितना घमंड था डॉक्टर स्विनोसस को कि हम ना हो तो अम्बिलिकल वैन को कौन खाली करे इंपीरियर वेना को में, अरे कितना घमंड था डॉक्टर आर्ट्रियोसस को, इन सब के नाम और काम सब मिट जाते हैं, नामो निशान मिट जाता है, कैसे मिटता है समझिएगा, कैसे मिटता है समझिएगा, इनका नामो निशान मिटाते हैं अपन, कैसे मिटेगा समझिएगा कहानी को, कि आपका जो फीटल सर्कुलेशन है वो कन्वर्ट हो गया एडल्ट सर्कुलेशन के अंदर, और जब ये एडल्ट सर्कुलेशन में कन्वर्ट हुआ तो क्या हुआ, सबसे पहले समझिएगा, हम बच्चा बर्थ हुआ, बर्थ होती आप अम्बिलिकल कॉर्ड को क्लैंप करके कट करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, अम्बिलिकल कॉर्ड को आपने क्लैंप किया और आपने क्या कर दिया, कट कर दिया, अब कट कर दिया तो क्या डक्टस विनोसस का ब्लड, डक्टस आर्ट्रियोसस ब्लड, आपका जो अम्बिलिकल आर्टरीज है वो ब्लड लेके आएगी, नहीं लाएगी, क्योंकि आपने अम्बिलिकल कॉर्ड को क्लैंप करके कट कर दिया, तो ना तो अम्बिलिकल आर्टरी ब्लड लेके जाएगी प्लासेंटा तक, ना अम्बिलिकल वैन प्लासेंटा से ब्लड लेके आएगी, वो दोनों काम तो वहीं रुक गए, अगर वो दोनों काम वहीं रुक गए, हमने क्या बताया कि अगर ये दोनों काम रुक गए, आपने अम्बिलिकल कॉर्ड को क्लैंप करके कट कर दिया, तो अम्बिलिकल कॉर्ड कट हो गई, प्लासेंटा को सेपरेट कर दिया, तो ना तो अम्बिलिकल आर्टरी ब्लड लेके आएगी, ना अम्बिलिकल वैन लेके जाएगी, जब अम्बिलिकल आर्टरी नहीं लेके आएगी, अम्बिलिकल वैन नहीं लेके जाएगी, तो डक्टस विनोसस क्या करेगा, काहे का संट बनाएगा, क्योंकि उसके पास में ब्लड ही नहीं आ रहा है, वो काहे का संट बनाए, तो तीन स्ट्रक्चर, अम्बिलिकल आर्टरीज, अम्बिलिकल वैन और डक्टस विनोसस, इन तीन स्ट्रक्चर का काम तो आतवात रुक गया, रुका कि नहीं रुका, तीनों का काम आतवात रुक गया, अम्बिलिकल आर्टरी का काम रुक गया, अम्बिलिकल वैन का काम रुक गया, डक्टस विनोसस का काम रुक गया, तीनों का काम रुक गया, फंक्शनल क्लोजिंग हो गई। फिर चलते हैं ऊपर, यहाँ पे एक संट था फोरामेन ओवल, उसको बोलते हैं भाई तू बता, तो वो कहता है कि प्रेशर चेंज होती मैं तो वैसे ही बंद हो जाता हूँ,
प्रेशर चेंज किया हुआ कि बोले मैं इस तरीके से था कि मेरे जो जो स्ट्रक्चर था, मेरा जो स्ट्रक्चर था वो स्ट्रक्चर समथिंग लाइक दैट कैसा था, ये हुआ, ये हुआ और ये हुआ और ये था, तो मेरा स्ट्रक्चर तो ऐसा था और मैं पहले राइट से लेफ्ट में जाता था क्योंकि प्रेशर राइट में ज़्यादा था। अब जैसे ही प्रेशर चेंज हुआ और मेरा प्रेशर किधर ज़्यादा हुआ, लेफ्ट में, तो यहाँ से प्रेशर लगा तो मैं इधर चिपक गया, ये जो दरवाज़ा खुला था ये दरवाज़ा चिपक गया, तो इसका काम भी बंद हो गया, मिक्स होना बंद हो गया, क्योंकि ये दरवाज़ा ऐसे था, पहले राइट से लेफ्ट में जाता था, अब जैसे ही प्रेशर इधर बढ़ा ये दरवाज़ा चिपक गया, तो ये भी क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो चार स्ट्रक्चर बंद हो गई, आर्टरी का काम बंद हो गया, वेन का काम बंद हो गया, डक्टस विनोसस का काम बंद हो गया, फोरामेन ओवल का काम बंद हो गया। पांचवा बंद करने वाला स्ट्रक्चर कौन सा है, डक्टस आर्ट्रियोसस। अब डक्टस आर्ट्रियोसस जो होता है उसके बंद होने के कारण जो होते हैं, डक्टस आर्ट्रियोसस बंद क्यों होता है, उसके कारण तीन होते हैं। पहले बच्चे की पूरी जिंदगी फिटल लाइफ में कभी ऑक्सीजन 100% नहीं हुई थी, 80% मैक्सिमम थी, और जैसे ही 100% ऑक्सीजन होती है, 100% ऑक्सीजन होती है, वो डक्टस आर्ट्रियोसस के अंदर जैसे ही टच करती है, वहाँ का एक लोकल हार्मोन होता है प्रोस्टाग्लैंडिन, उसका सिक्रीशन जीरो, और प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल जब फॉल डाउन होता है तो डक्ट का कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, डक्ट क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। तो इनका फंक्शनल क्लोजिंग जो होता है वो 5 मिनट के अंदर अंदर हो जाता है सारी स्ट्रक्चर का, और इनका जो एनाटोमिकल क्लोजिंग है उस एनाटोमिकल क्लोजिंग को होने में अलग अलग टाइम लगता है। अम्बिलिकल वेन, अम्बिलिकल आर्टरी का एनाटोमिकल क्लोजिंग 2 से 3 महीने में होता है। डक्टस विनोसस का एनाटोमिकल क्लोजिंग जो होता है वो हफ्ते भर के अंदर होता है। फोरामेन ओवल का एनाटोमिकल क्लोजिंग 1 साल में होता है, और डक्टस आर्ट्रियोसस का एनाटोमिकल क्लोजिंग जो होता है वो 10 से 21 दिन में होता है। फिर इन सब के नाम भी बदल जाते हैं, भाई जब काम ही नहीं रहे तो नाम बदल जाएंगे, तो इनका नामकरण क्या रहता है, जब एडल्ट सर्कुलेशन में कन्वर्ट हो जाता है फिटल सर्कुलेशन, तो इनका नामकरण क्या रहता है, तो इनका नाम हो जाता है डक्टस विनोसस को लिगामेंटम विनोजम कहते हैं, डक्टस फोरामेन ओवल को फोसा ओवेलिस कहते हैं, डक्टस आर्ट्रियोसस को लिगामेंटम आर्टेरियोजम कहते हैं, अम्बिलिकल वेन को लिगामेंटम टेरिस बोलते हैं, और अम्बिलिकल आर्टरीज को मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट बोलते हैं। ये इनके नाम बदल जाते हैं पोस्टनेटल लाइफ में, और इस तरीके से पूरा फिटल सर्कुलेशन किस में कन्वर्ट हो जाता है, एडल्ट सर्कुलेशन कहते हैं। फिटल सर्कुलेशन की शुरुआत प्लासेंटा पे से होती है, खत्म प्लासेंटा पे होता है, ये कंप्लीट तरीका रहता है फिटल सर्कुलेशन का। क्लियर, आई थिंक क्लियर। तो ये पूरी कहानी है फिटल सर्कुलेशन की, एक इंपॉर्टेंट कहानी, और इस इंपॉर्टेंट कहानी में फिटल सर्कुलेशन कंप्लीटली कन्वर्ट हो गया एडल्ट सर्कुलेशन में। किसी भी तरीके का डाउट है आप पूछ सकते हो, फिर मैं लेके चलता हूं आपको एमसीक्यू सेशन की तरफ। बहुत बढ़िया, नो डाउट, आई थिंक नो डाउट, बहुत बढ़िया। कभी भी जिंदगी में जिस तरीके से आपका पूरा फिटल सर्कुलेशन एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, इसी तरीके से आपको भी कॉन्फिडेंट रहना लाइफ के अंदर, अपने ऑर्गन पे जैसे हम कॉन्फिडेंट रहते हैं वैसे आपको कॉन्फिडेंट रहना है। तो आज के इस सेशन का सबसे पहला एमसीक्यू आप लोगों के लिए ये रहा, फिटल सर्कुलेशन से संबंधित फर्स्ट क्वेश्चन, फिटल सर्कुलेशन फंक्शन वेल डेवलप ऑन विच वीक। ये जो फिटल सर्कुलेशन काम करता है ये कब वेल डेवलप हो जाता है, ये फिटल सर्कुलेशन कब वेल डेवलप हो जाता है, सर्कुलेशन का ये जो काम है ये मदर के वूम में कौन से वीक में बढ़िया काम करने लग जाता है, बढ़िया काम करने लग जाता है, 8 वीक, 6 वीक, 12 वीक और 28 वीक। जवाब लिखिएगा, जवाब लिखिएगा फटाफट से, जवाब लिखिएगा। बहुत अच्छे, बहुत ही शानदार। तो ये काम करने लग जाता है कौन से वीक में, वेल डेवलप्ड फंक्शन करने लग जाता है, वेल डेवलप्ड फंक्शन करने लग जाता है। एनाटोमिकल क्लोजिंग का टाइम निर्मल 2 से 3 महीने रहता है अम्बिलिकल आर्टरी और अम्बिलिकल वेन का, 7 दिन रहता है डक्टस विनोसस का, 1 साल होता है फोरामेन ओवल का, 10 से 21 दिन होता है डक्टस आर्ट्रियोसस का। बहुत बढ़िया, मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। वेल डेवलप फंक्शन तब करेगा जब प्लासेंटा बनेगा, क्यों, क्योंकि फिटल सर्कुलेशन के लिए क्या चाहिए, प्लासेंटा चाहिए भाई, यही तो हमने बोला था, कलाकारी प्लासेंटा की है, और 12 वीक पे प्लासेंटा, 12 वीक पे प्लासेंटा जो है वो बनता है, काम करना शुरू करता है, तभी फिटल सर्कुलेशन काम करेगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर सी बनेगा, 12 वीकों पे जब प्लासेंटा बनेगा
तभी फीटल सर्कुलेशन का काम, वेल डेवलप्ड काम जो है वहां पे शुरू होगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा फिर जवाब देने की कोशिश करिएगा, बहुत ही शानदार। फीटस कनेक्ट प्लासेंटा, फीटस को प्लासेंटा से कनेक्ट किया जाता है अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू। इस अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है? वन वैन टू आर्टरीज, वन आर्टरी टू वैन, वन वैन वन आर्टरी, टू आर्टरी टू वैन। फटाफट से जवाब लिखिएगा। जो फीटस जो है उसको हम कनेक्ट करते हैं प्लासेंटा से अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू। तो जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसमें वेसल के नंबर पूछे हैं, और मैंने एक बात याद कर लेना जिंदगी में, वन हमेशा वैन ही होती है, कभी कंफ्यूजन होगा ही नहीं। वन कौन होती है? वैन होती है। वन वन वैन वैन वन, रिदम बंडा की नहीं बोला, वन वैन। तो वैन हमेशा वन होती है और आर्टरी हमेशा दो होती है। कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, जिंदगी भर याद रखना क्योंकि जिंदगी भर काम आएगा। वन हमेशा वैन होती है, वन हमेशा वैन होती है, यस और नो? जब ईसीजी करते ना तो वी वन होती है चेस्ट लीड, वी वन, तो वन वैन। वी वन, वी टू, वी थ्री, वी फोर, वी फाइव, वी सिक्स लगाते ही नहीं लगाते चेस्ट लीड्स, तो वी वन, वन वैन। कैसे याद रखो आपको, वैन एक ही होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ लेके जाता हूं, बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ फीटल ब्लड, द अमाउंट ऑफ फीटल ब्लड फ्लो पर मिनट थ्रू द प्लासेंटा एट टर्म। कितना फीटल ब्लड जो है फ्लो करता है पर मिनट थ्रू द प्लासेंटा एट टर्म, टर्म के समय, टर्म के समय, टर्म के समय कितना ब्लड जो है वो फ्लो करता है प्लासेंटा के थ्रू, फीटल ब्लड, फीटल ब्लड पर मिनट, पर मिनट थ्रू प्लासेंटा। जवाब लिखिएगा, प्लासेंटा के थ्रू टर्म के समय कितना फीटल ब्लड जो है वो फ्लो करता है थ्रू प्लासेंटा एट टर्म। इट्स 350 to 400, ये हमने बोला तो ना तो ये 200 होगा ना 3 होगा, क्योंकि 3 से ज्यादा है, 350 to 400, तो 500 नहीं होगा। देन व्हाट इज द करेक्ट, इट्स 400 ml पर मिनट, याद रखिएगा सी करेक्ट आंसर है। और जितने लोगों ने डी जवाब दिया है 10 बार सी लिखेंगे 350 to 400, तो द करेक्ट आंसर इज सी। जब भी ये रीडिंग हो, जब भी ये रीडिंग हो एमएल पर मिनट 350 और 400, तो जवाब ज्यादा वाला जाएगा ना कि कम वाला, क्योंकि कम हमें मंजूर नहीं है, कम हमें मंजूर नहीं है। कमियां भले ही हजारों हो तुम में, लेकिन खुद पर विश्वास रखो, तुम सबसे बेहतर करने का हुनर रखते हो, तो इसलिए कम नहीं है। 20 बार लिखो 20 बार, मेरा लगातार नजर है आपके कमेंट के ऊपर। कमियां भले ही हो हजार तुम के अंदर, लेकिन तुम खुद पे विश्वास रखो, क्योंकि तुम बेहतरीन करने का हुनर रखते हो जिंदगी के अंदर, और बेहतर कर डालो, अपने हाथों से अपना भविष्य लिख डालो, और 10 बार लिख डालो। करेक्ट आंसर है 400 ml पर मिनट, सी यहां पे करेक्ट आंसर रहेगा। मैं लेके चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ, एक और कतई जहर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच अमंग दी फॉलोइंग, क्या बोला, Which among the following vessel contain highest oxygen concentration in fetal circulation? Fetal circulation में highest oxygen concentration, highest oxygen concentration जो है वो रखने वाली fetal circulation में कौन सी vessel होती है? Following vessel contain highest oxygen concentration, बहुत बढ़िया। Highest oxygen concentration किसमें होता है? Umbilical vein, पल्मनरी आर्टरी, डक्टस विनोसस, डक्टस आर्ट्रियोसस। जवाब लिखिएगा, हाईएस्ट ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, जवाब लिखिएगा, बहुत बढ़िया। क्या बात है भाई, क्या बात है। हमने अभी पढ़ा था कि सबसे पहली वेसल जो प्लासेंटा से निकलती है, जो आपका प्लासेंटा था और अम्बिलिकल कॉर्ड थी, तो आ तो कौन रही थी, अम्बिलिकल आर्टरीज, लेकिन लेके कौन जा रही थी, अम्बिलिकल वैन। और इस अम्बिलिकल वैन में ऑक्सीजन का सेचुरेशन कितना था, क्या बात है। कमेंट बॉक्स को राफेल बना ही डाला आप लोगों ने, छा गए भाई, छा गए, लगा दे आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, सीन ले सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। आप सारे लोग कहानी रचने वाले हो, आप सारे लोग कहानी रचने वाले हो। अम्बिलिकल वैन इसका आंसर लिखेगा,
ए करेक्ट आंसर है। ऑक्सीजन का सेचुरेशन 80% होता है। कितना होता है? 80% ऑक्सीजन का सेचुरेशन होता है। मैक्सिमम सेचुरेशन ऑक्सीजन कंटेंट करती है अम्बिलिकल वेन। यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी नहीं होगा, इसका सेचुरेशन तो हमने बोला था 60% होता है। डक्टस विनोसस नहीं होगा, क्योंकि डक्टस विनोसस कोई वेसल नहीं है, कनेक्शन है दो वेसल के बीच में। और डक्टस आर्टरियोसस भी नहीं होगा, क्योंकि ये कोई वेसल नहीं है, ये तो कनेक्शन है दो आर्टरी के बीच में। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ए रहेगा, अम्बिलिकल वेन। नेक्स्ट देखिएगा, एक और कतई जहर क्वेश्चन है। द अम्बिलिकल वेन कैरी, द अम्बिलिकल वेन कैरी द ब्लड फ्रॉम द प्लासेंटा एंटर द फीटस विद। अम्बिलिकल वेन जो ब्लड कैरी करती है प्लासेंटा से और एंटर होती है फीटस के अंदर, तो वो क्या लेके जाती है? ऑक्सीजन ब्लड बाय 80%, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाय 25%, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाय 35% और ऑक्सीजन ब्लड बाय 60%। एंड द करेक्ट आंसर इज 80%। द करेक्ट आंसर इज 80%, इट्स ए। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है प्लासेंटा से फीटस की बॉडी में एंटर होती है, और 80% सेचुरेशन वाला ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है अम्बिलिकल वेन, एंटर होती है फीटस की बॉडी में प्लासेंटा की अम्बिलिकल कोड से एंटर होती है। और सेचुरेशन कितना है इसका? 80% सेचुरेशन। कितना? 80% सेचुरेशन। बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। एक और कतई जहर क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा फिर जवाब देने की कोशिश करिएगा। नॉर्मल प्रेशर क्या बोला जा रहा है? नॉर्मल प्रेशर ऑफ अम्बिलिकल वेन। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को फिर जवाब लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉर्मल प्रेशर बताना है आपको यहां पे, क्या बताना है? नॉर्मल प्रेशर अम्बिलिकल वेन के अंदर, नॉर्मल प्रेशर आपको यहां पे बताना है इस क्वेश्चन के अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉर्मल प्रेशर यहां पे पूछा है। जवाब लिखिएगा, नॉर्मल प्रेशर कितना होता है? नॉर्मल प्रेशर, अच्छा कुछ लोगों ने 60 CA, नॉर्मल प्रेशर 20, 40, 60 और 80 mm of Hg। व्हाट इज द नॉर्मल प्रेशर? किसका पूछा है आपको नॉर्मल प्रेशर? नॉर्मल प्रेशर पूछा है अम्बिलिकल आर्टरी के अंदर। व्हाट इज द नॉर्मल प्रेशर ऑफ अम्बिलिकल आर्टरी? देखिएगा, समझ लीजिएगा, फीटल फ्लो की तो अभी हमने बात की थी 400 ml/min होता है। फीटल फ्लो की तो अभी हमने बात की थी 400 ml/min होता है टर्म के समय। अभी हमने एक क्वेश्चन को सॉल्व किया था, 350 से 400 भी बोलते हैं, और एग्जैक्ट बोले तो 400 ही होता है। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट बात, प्रेशर अम्बिलिकल आर्टरी के अंदर होता है 60 mm of Hg, जिस क्वेश्चन को अभी हमने आपसे पूछा था। अम्बिलिकल आर्टरी के अंदर प्रेशर कितना होता है? 60 mm of Hg। कितना होता है? बहुत अच्छे सुभाष सैनी, बहुत ही शानदार, इट्स 60 mm of Hg। प्रेशर इन अम्बिलिकल वेन, अम्बिलिकल वेन में प्रेशर होता है 10 mm of Hg। एक बात यह तय है कि आर्टरी का प्रेशर हमेशा ही ज्यादा होगा वेन से, इसको कभी भूलना ही नहीं है आपको। और एक इंपॉर्टेंट बात हमने पढ़ी है, फीटल कैपिलरी का जो प्रेशर है विलाई के अंदर, विलाई के अंदर फीटल कैपिलरी का जो प्रेशर होता है वो होता है 20-40 mm of Hg। कैपिलरी के अंदर फीटल विलाई का जो प्रेशर होता है वो होता है 20-40 mm of Hg। और इसके अलावा आपको याद रखना है ऑक्सीजन का सेचुरेशन और PO2। ऑक्सीजन का सेचुरेशन अम्बिलिकल आर्टरी का हमने बोला था 60% होता है, और वेन का 80% होता है। सिंपल सी बात है, आर्टरी का 60 होगा, वेन का 80% होगा। और इसके अलावा हमने लिखा कि जो प्रेशर होता है PO2 जो होता है वो 20-25 होता है आर्टरी में, और 30-40 mm of Hg होता है वेन के अंदर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां पे हमने बोला फीटल ब्लड फ्लो, एक याद रखना आपको, सवाल ये भी बना हुआ है। इसके अलावा आपको प्रेशर अम्बिलिकल आर्टरी का पूछा जाए तो 60 mm of Hg होता है, अगर आपको वेन का प्रेशर पूछा जाए तो 10 mm of Hg होता है, इसके अलावा आपको फीटल कैपिलरी प्रेशर विलाई के अंदर पूछा जाए तो 20-40 mm of Hg होता है, और इसके अलावा ऑक्सीजन का सेचुरेशन अम्बिलिकल आर्टरी में 50-60% और अम्बिलिकल वेन में 70-80%। सो द करेक्ट आंसर इज, द करेक्ट आंसर इज 60 mm of Hg, क्योंकि आपको प्रेशर किसका पूछा है? अम्बिलिकल आर्टरी का। अगर वेन का पूछा जाता तो 10 mm of Hg, वेन का पूछा जाता तो 10 mm of Hg, ये वेन का, समझ लो बात को। तो यहां पे आपको आर्टरी का प्रेशर है ना, और ये है सेचुरेशन और ये है प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन।
प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो आप एबीजी के अंदर चेक करते हैं, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पीओ टू और पीसीओ टू, वो तो होता है प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन का सेचुरेशन जो हम पेरीफ्री में असेस करते हैं, तो ऑक्सीजन का सेचुरेशन इज द डिफरेंट एंड प्रेशर, प्रेशर हमेशा एमएमओ पैजी में होता है, सेचुरेशन हमेशा परसेंटेज के अंदर आता है। बहुत बढ़िया, तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट देखो, नॉर्मल प्रेशर इन द अम्बिलिकल वेन, अम्बिलिकल वेन में नॉर्मल प्रेशर कितना होता है, इसका जवाब सबका सही होना चाहिए, जवाब सबका सही होना चाहिए। अगर आपको कुछ अच्छा करना है, बढ़िया करना है, बड़ा करना है, तो आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए। बड़ी सोच से ही बड़े नतीजे निकलते हैं, कलाम साहब कह के गए थे। तो अच्छी सोच, बड़ी सोच रखो, बड़े आदमी अपना बन जाओगे, साई सोच रखा करो। कहानी क्लियर है, कहानी क्लियर है, फटाफट से बताइए, कहानी क्लियर है। प्रेशर कितना है अम्बिलिकल वेन का, अभी हमने पढ़ा, और ये तो 100% सही है। अभी भी 20 कौन बहुत ही अच्छे, महावीर, ट्विंकल, रॉयल, नीलम, सुरेश, बहुत ही शानदार, इट्स 10, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले जाता हूं मैं, एक और कतई जहर क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा फिर जवाब देने की कोशिश करिएगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ब्लड को ऑक्सीजनेटेड किया था हमने, एंटर होता है फीटल सर्कुलेशन के अंदर, किसके थ्रू, अम्बिलिकल वेन के थ्रू, वाया। ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर होता है फीटल सर्कुलेशन में अम्बिलिकल वेन के थ्रू, वाया, किसके वाया, डक्टस आर्टेरियोसस, डक्टस विनोसस, फोरामेन ओवल, अम्बिलिकल आर्टरी, जवाब लिखिएगा, जवाब लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर द फीटल सर्कुलेशन फ्रॉम अम्बिलिकल वेन, वाया, जवाब लिखिएगा, वाया, वेरी गुड। देखो अम्बिलिकल वेन आई, एंटर हुई, और अब पहली बार फीटल सर्कुलेशन में जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर हुआ तो किसके थ्रू हुआ, यही तो पूछ रहा है, किसके थ्रू हुआ, मतलब ये इंफीरियर वेना के हुआ और ये अम्बिलिकल वेन, इनके बीच का जो संट था, इसका पूछ रहा है, ये संट का पूछ रहा है, संट, इनके बीच में क्या था, संट था, ये संट का पूछ रहा है, ये कौन सा संट है, अम्बिलिकल वेन और इंफीरियर वेना के बीच में, बहुत अच्छे, इट्स डक्टस विनोसस, बी करेक्ट आंसर है, डक्टस विनोसस, जिसका एनाटोमिकल क्लोजिंग जो होती है वो कब होती है, एनाटोमिकल क्लोजिंग होती है 7 दिन में, और इसका क्या नाम होता है, लिगामेंटम विनोजम, बाद में इसका क्या नाम होता है, लिगामेंटम विनोजम, अम्बिलिकल डक्टस विनोसस का नाम हो जाता है लिगामेंटम विनोजम, और लिगामेंटम विनोजम जो है ये कनेक्शन, ये संट किसके बीच में है, ये संट है आपका अम्बिलिकल वेन और इंफीरियर वेना केवा के बीच में, नाम दिया इसको डक्टस विनोसस, बहुत अच्छे, बहुत ही शानदार। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक और कतई जहर क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा फिर जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कम्युनिकेशन बिटवीन अम्बिलिकल वेन एंड इंफीरियर वेना केवा इन फीटल सर्कुलेशन, अम्बिलिकल वेन और इंफीरियर वेना केवा का कम्युनिकेशन, अम्बिलिकल वेन और इंफीरियर वेना केवा का कम्युनिकेशन क्या कहलाता है, डक्टस विनोसस, करेक्ट आंसर इज सी, फोसा फोरामेन, डक्टस आर्टेरियोसस, अम्बिलिकल आर्टरी किसके बीच में, अम्बिलिकल आर्टरी और नॉट अम्बिलिकल आर्टरी, इट्स पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी आर्टरी एंड दूसरा एओटा, उसके बीच के कनेक्शन को क्या बोलोगे, डक्टस आर्टेरियोसस, किसको बाईपास कर रहे हैं, लंग्स को, ये किसको बाईपास कर रहे हैं, लीवर को, ये किसको बाईपास कर रहे हैं, लीवर को, ये किसको बाईपास कर रहे हैं, लंग्स को, और फोरामेन ओवल, कनेक्शन बिटवीन राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, किसको बाईपास कर रहे हैं, लंग्स को, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम का कनेक्शन है, लंग्स को बाईपास कर रहा है फोरामेन ओवल, और अगर डक्टस विनोसस की बात करें तो ये बाईपास कर रहा है लीवर को, डक्टस आर्टेरियोसस की बात करें तो बाईपास कर रहा है लंग्स को, ये तीन स्ट्रक्चर, और फोसा ओवलिस इसी फोरामेन ओवल का क्लोजर के बाद का नाम है, फोरामेन ओवल को फोसा ओवलिस बोल दिया जाता है, 1 साल पे इसका एनाटोमिकल क्लोजिंग होता है, डक्टस आर्टेरियोसस को लिगामेंटम आर्टेरियोजम बोल दिया जाता है, लिगामेंटम आर्टेरियोजम, आर्टेरियोजम बोल दिया जाता है, और इसकी जो क्लोजिंग होती है वो होती है 10 से 21 दिन पे, एनाटोमिकल क्लोजिंग 10 to 21 days, लिगामेंटम आर्टेरियोजम बोल दिया जाता है, बहुत बढ़िया, लिगामेंटम आर्टेरियोजम बोल दिया जाता है, और
ये जो फोरामेन ओवल है इसको फोसा ओवेलिस बोल दिया जाता है। डक्टस आर्टरियोसस को पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा का कनेक्शन है, लंग्स को बाईपास करता है। ये सारी की सारी बातें इंपॉर्टेंट रहती है यहाँ पे कनेक्शन के अंदर, अम्बिलिकल वेन और इन्फीरियर वेना के वाकी कनेक्शन के बारे में बात कर रहा हूं। अब मैं लेके चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ, एक और कतई जहर क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कम्युनिकेशन बताओ राइट एंड लेफ्ट एट्रियम के बीच में फीटल सर्कुलेशन के अंदर। राइट और लेफ्ट एट्रियम के बीच का कम्युनिकेशन पूछ रहा है। राइट और लेफ्ट एट्रियम के बीच में होता है फोरामेन ओवल, ए यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। दो एट्रियम, राइट और लेफ्ट एट्रियम के बीच का कनेक्शन क्या होता है, फोरामेन ओवल। फोरामेन ओवल, विपिन कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है। जिंदगी में कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। आज आज आप पढ़ रहे हो तो थोड़ा दर्द होगा, थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन आज का दर्द आपका बेहतरीन भविष्य निर्माण कर रहा है और ये दर्द आपकी ताकत बनने वाला है। एक दिन लिख के ले लेना, फोरामेन ओवल यहाँ पे करेक्ट आंसर है। डक्टस आर्टरियोसस, डक्टस विनोसस या फोसा ओवेलिस इसको नहीं कहते। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। मैं लेके चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ, एक और कतई जहर क्वेश्चन है। कम्युनिकेशन बता दो एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में फीटल सर्कुलेशन में। एओर्टा और आर्टरी जो है आपका पल्मोनरी आर्टरी, उसके बीच का कम्युनिकेशन क्या बोला हमने, डक्टस आर्टरियोसस। क्या बोला हमने, डक्टस आर्टरियोसस, बी यहां पे करेक्ट आंसर है। डक्टस आर्टरियोसस इज ए कनेक्शन बिटवीन एओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी बाईपासिंग लंग्स। एनाटोमिकल क्लोजिंग 10 से 21 दिन, लिगामेंटम आर्टरियोजम इसको बोल दिया जाता है। ये कहानी सारी की सारी क्लियर है, बहुत अच्छे। कमेंट बॉक्स को रुकने ही मत दो, चलते रहो चरैवेति। ये इंपॉर्टेंट लाइन बोली थी एक महान पुरुष ने। कौन सा स्टेटमेंट एक्यूरेट है डक्टस आर्टरियोसस के बारे में, डक्टस आर्टरियोसस के बारे में स्टेटमेंट पूछा है, डक्टस आर्टरियोसस के बारे में स्टेटमेंट। पहला, डक्टस आर्टरियोसस मदद करता है अम्बिलिकल आर्टरी टू इंफीरियर वेना केवा। नहीं 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 नहीं, ये तो गलत बोल रहा है। फिर डक्टस आर्टरियोसस फाउंड बिटवीन राइट एंड लेफ्ट एट्रियम, ना ये तो होता है फोरामेन ओवेल। ये कौन होता है, फोरामेन ओवेल। अगला, ये फीटल सर्कुलेशन में पल्मोनरी आर्टरी को एओर्टा से कनेक्ट करता है, उसको डक्टस आर्टरियोसस कहते हैं। यस इट इज, ये बिल्कुल सत्य बात है। और डक्टस आर्टरियोसस कैरी करता है ऑक्सीडेटेड ब्लड फ्रॉम साइड ऑफ द हार्ट टू द राइट साइड, ये खोटिया बात है। तो करेक्ट आंसर इज सी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, और एक और बेहतरीन और कतई जहर क्वेश्चन है। आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी फोरामेन ओवल क्लोज एंड इट बिकम, फोरामेन ओवल बंद हो जाएगा बच्चे के पैदा होने के बाद में। एनाटोमिकल क्लोजिंग 1 साल पे होती है, फंक्शनल क्लोजिंग 5 मिनट के अंदर अंदर होती है। फंक्शनल क्लोजिंग होने का कारण प्रेशर का चेंज होना होता है, राइट वाला प्रेशर लेफ्ट में ज्यादा हो जाता है और उसकी वजह से इसकी फंक्शनल क्लोजिंग हो जाती है। तो फंक्शनल क्लोजिंग अगर होती है फोरामेन ओवल की तो उसको किस नाम से जानते हैं, दैट इज नोन एज फोसा ओवेलिस, डी यहां पे करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया, लिगामेंटम विनोजम डक्टस विनोसस को बोलते हैं। डक्टस आर्टरियोसस को लिगामेंटम आर्टरियोजम बोलेंगे और डक्टस विनोसस को लिगामेंटम विनोजम बोलेंगे। द करेक्ट आंसर इज फोसा ओवेलिस। मैं लेके चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ, एक और कतई जहर क्वेश्चन है। मैन प्रोसेस बिहाइंड द चेंज इन द सर्कुलेशन टू द न्यू बॉर्न इज अकर ड्यू टू, मैन कारण क्या है फीटल सर्कुलेशन का एडल्ट सर्कुलेशन में कन्वर्ट होना, फीटल सर्कुलेशन का एडल्ट सर्कुलेशन में कनेक्ट होने का मैन इंपॉर्टेंट रीजन क्या रहता है, क्या इंपॉर्टेंट रीजन रहता है। क्लैंपिंग ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड, क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टरियोसस, एक्सपांसन ऑफ द लंग्स, क्लोजर ऑफ डक्टस विनोसस, मेन कारण क्या है कि भाई आपका फीटल सर्कुलेशन था वो एडल्ट सर्कुलेशन में कन्वर्ट हो गया, इसका मुख्य कारण क्या था, मुख्य मेन कारण, मेन कारण। बहुत अच्छे, जयश्री देहात रश्मि शर्मा, बहुत ही शानदार, क्या बात है भाई, सागे। इस एक्सपांसन ऑफ द लंग्स, हमने बोला यही तो चेंजेस था, मदर के वूम में लंग्स एक्सपांड नहीं रहते हैं, बर्थ होने के बाद में लंग्स का एक्सपांशन होता है। एंड व्हेन द लंग्स इज एक्सपांडेड देयर इज चेंजेस इन प्रेशर, पल्मोनरी रेजिस्टेंस फॉल डाउन, सिस्टमिक रेजिस्टेंस हाई, और सारा लंग्स में गया ब्लड और लेफ्ट एट्रियम आया। यही चेंजेस था जिसकी वजह से ये चेंजेज हो गया, सर्कुलेशन में चेंजेज हो गया। बहुत अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन।
टारगेट ध्यान रखना दिमाग में, जो लक्ष्य में खो गया समझो वो सफल हो गया। अपने लक्ष्य में डूबे हुए लोग बने रहना, रोज अपने लक्ष्य के बारे में बात करना, लक्ष्य की बात करने वाले लोगों से बात करना, 100% सफलता आपके पर पे आपके कदम तो दब जाएगी। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लाइफ का, मैं लेके चलता हूँ आगे। आफ्टर बर्थ इन ए नॉर्मल नियोनेट द डक्टस आर्टेरियोसस बिकम, बर्थ होने के बाद में नॉर्मल नियोनेट में डक्टस आर्टेरियोसस क्या बन जाता है, क्या बन जाता है? विनोस लिगामेंट, लिगामेंटम विनोजम, लिगामेंटम टेरिस, लिगामेंटम आर्टेरियोसम, लिगामेंटम आर्टेरियोसम, लिगामेंटम टेरिस, लिगामेंटम विनोजम। लिगामेंटम विनोजम बोलते हैं अम्लीकर डक्टस विनोसस को, डक्टस विनोसस को लिगामेंटम विनोजम। लिगामेंटम टेरिस बोलते हैं अम्लीकल वैन को, अम्लीकल वैन को। तो इसका मतलब ये दोनों नहीं हो सकते, वीनस लिगामेंटम कुछ होता ही नहीं है। एंड द करेक्ट आंसर इज, करेक्ट आंसर इज लिगामेंटम आर्टेरियोजम, द करेक्ट आंसर इज लिगामेंटम आर्टेरियोजम, लिगामेंटम आर्टेरियोजम। तो ये आंसर क्या बन जाएगा? डी, डक्टस आर्टेरियोसस को क्या बोल देते हैं? लिगामेंटम आर्टेरियोजम। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आफ्टर बर्थ द अम्लीकल वैन कोलैप्स एंड फॉर्म, अम्लीकल वैन कोलैप्स होती है और क्या बना देती है बर्थ होने के बाद में? लिगामेंटम आर्टेरियोजम नहीं, लिगामेंटम विनोजम यस नो, लिगामेंटम अम्लीकस नो, लिगामेंटम टेरिस यस इट इज। ये तीनों ही नहीं रहेंगे। अम्लीकल वैन को हम किस नाम से जानते हैं? अम्लीकल वैन को हम जानते हैं लिगामेंटम टेरिस के नाम से। किस नाम से जानते हैं? लिगामेंटम टेरिस। बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार। इट्स नॉट बी, लिगामेंटम विनोजम अम्लीकल, लिगामेंटम विनोजम डक्टस विनोसस को बोलते हैं, लिगामेंटम आर्टेरियोजम डक्टस आर्टेरियोसस को बोलते हैं, और यहां पे होगा लिगामेंटम टेरिस। डी इज द करेक्ट वन। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, आफ्टर बर्थ द अम्लीकल आर्टरी कोलैप्स एंड फॉर्म, अम्लीकल आर्टरी क्या बनाएगी? चलिए इसका जवाब दीजिए फटाफट, अम्लीकल आर्टरी क्या बनेगी? लिगामेंटम आर्टेरियोजम, लिगामेंटम आर्टेरियोजम डक्टस आर्टेरियोसस। कौन होता है? डक्टस आर्टेरियोसस, यस और नो? लिगामेंटम विनोजम डक्टस विनोसस, कौन बनाता है? डक्टस विनोसस। मीडियल अम्लीकल लिगामेंट अम्लीकल आर्टी, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लेटरल अम्लीकल लिगामेंट, इट्स मीडियल अम्लीकल लिगामेंट, इट्स मीडियल अम्लीकल लिगामेंट, नॉट लेटरल अम्लीकल लिगामेंट, इट्स मीडियल अम्लीकल लिगामेंट। दो में कंफ्यूजन हो सकता है। पहला लिगामेंटम आर्टेरियोजम डक्टस आर्टेरियोसस बनाता है, कौन बनाता है? डक्टस आर्टेरियोसस से बनता है लिगामेंटम आर्टेरियोजम। लिगामेंटम विनोजम डक्टस विनोसस से बनता है। फोरामेन ओवल क्या बनाता है? फोसा ओवेलिस। फोरामेन ओवल क्या बनाता है? फोसा ओवेलिस, फोसा ओवेलिस, ये फोरामेन ओवल बनाता है, फोसा ओवेलिस। और लेटरल अम्लीकल लिगामेंट नहीं होके क्या बनाता है? मीडियल अम्लीकल लिगामेंट। और मीडियल अम्लीकल लिगामेंट कौन बनाएगा? ये बनाएगा आपका अम्लीकल आर्टरी। क्या बनाएगा? मीडियल अम्लीकल लिगामेंट। बहुत ही बढ़िया। तो आज के लिए बस इतना ही, एक बेहतरीन एमसीक्यू सेशन जो हमने फीटल सर्कुलेशन के बारे में पढ़ा। आप लोगों ने बहुत अच्छे से अपने ज्ञान का प्रदर्शन किया और धमाके के ऊपर धमाके किए, और यही धमाका एक दिन हम लोगों को एक बेहतरीन भविष्य निर्माण करने में काम आएगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से डटे हुए रहो, अपने आप को मजबूत बनाते रहो, और अपने आप को बेहतरीन तरीके से, एक अच्छे तरीके से, अच्छे स्टडी मटेरियल से जुड़े हुए रहो। आप डेफिनेटली एक बेहतरीन भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। कभी जिंदगी में हार मत मानो, कभी जिंदगी में हार मत मानो, और हमेशा उन लोगों का दिमाग में सोच रखो कि जिन्होंने कहा था कि तुमसे नहीं होगा, बस एक दिन हम करेंगे, और उनके मुंह पे करके तमाचा मारेंगे कि तुमने बोला था, हमने कर दिखाया, ये देखो। बस उसी दिन का इंतजार है, और उसी दिन के लिए रोज काम करते रहो, रोज काम करते रहो, हर रोज कुछ अच्छा करने की सोचो, हर रोज कुछ अच्छा करने की सोचो। किसी ने बहुत बढ़िया कहा है, मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते ही सही। क्या? मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते ही सही। अरे गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। इसी तरीके से धमाके करते रहिएगा। मिलते हैं कल वापस दोबारा से एक नए एमसीक्यू सेशन के साथ में, और कुछ नए धमाके करेंगे, और
एक ही बात दिमाग में हर समय हर सेकंड लगातार रखना। और बात क्या है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बस इसी जहन के साथ में, इसी थॉट के साथ में काम करना है और एक बेहतरीन तरीके से भविष्य निर्माण में लगे रहना है। तो मिलते हैं दोबारा एक नए एमसीक्यू सेशन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।